किसको मैच करेगी। मैंने यहाँ पर राइट आपका इक्वेशन लिखा है और ये किससे कैटलाइज होगा ये भी मैंने आपको राइट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। तो वहां पर मैच करना था एक्चुअली, मैंने ये ऑर्डर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो मैंने ऑर्डर थोड़ा सा रीअरेंज कर रखा है यहाँ पर। तो O2 4s पॉजिटिव एंड 8 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप की इक्वेशन थी। इससे आपका H2O बनना है, तो ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में होता है। ओके, और H2O2 H2O प्लस O2 ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, और ये कैटालेज एंजाइम की प्रेजेंस में, कैटालेज की प्रेजेंस में आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है आपका RH इक्वल टू ROH बनेगा, तो ये साइटोक्रोम P450, ठीक है, ये मोनो ऑक्सीजनेशन करता है, तो RH से आपका ROH बनेगा, तो राइट ऑप्शन होगा आपका साइटोक्रोम P450। और नेक्स्ट है आपका, ये एक अमीनो एसिड था ग्लाइसिन, और विटामिन B12 की प्रेजेंस में आपका यहाँ पर कोई ग्रुप आपका इंसर्ट करता है, माइग्रेट करता है, तो आई थिंक आंसर आपका विटामिन B12 था। इसका विटामिन B12 होगा, और RH से ROH आपका साइटोक्रोम P450 होगा, और H2O2 से H2O प्लस O2 इनकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपका कैटालेज, और आपका O2 4s पॉजिटिव 8 इलेक्ट्रॉन, ये आपका साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ओके, तो ये आपके राइट ऑप्शन थे जो मैच कर रहे थे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था बायोइनऑर्गेनिक का। एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिक वोल्टामेट्री से, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रुप थ्योरी से, ये आपका ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन था। Ab3 एक मॉलिक्यूल था, वो कह रहा था कि Ab3 टाइप का एक मॉलिक्यूल है, और जिसका पॉइंट ग्रुप भी गिवन था C3 भी, और उसने करेक्टर टेबल भी दी हुई थी, C3B की करेक्टर टेबल दी हुई थी, और उसमें बताना था कि इस C3B पॉइंट ग्रुप के लिए रमन एक्टिव इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, IRS। रमन में जो IRS मिलेगा, रमन एक्टिव IRS कौन कौन से होंगे, तो हम क्या करते हैं कि करेक्टर टेबल की हेल्प से फॉर्मूला होता है आपका 1/H ऐसे, फिर हम क्या करते हैं करेक्टर टेबल में आपका यहाँ पर जो करेक्टर टेबल की हेल्प से हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और जिसका हमें निकालना होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इस तरीके का फॉर्मूला होता है A(b)(c), आपका सी, ठीक है, ऐसे प्लस इस तरीके से अगर करते हैं, तो ये आपका इरिड्यूसिबल रमन एक्टिव जो वाइब्रेशन निकलते हैं इरिड्यूसिबल में, वो आपके 2A1 और 2E इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपका रमन एक्टिव वाइब्रेशन को शो कर रहे थे। ओके, तो ये है आपका ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑप्शन राइट था मेरे ख्याल से, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका 1 मार्क्स का एक और क्वेश्चन है, साइक्लिक वोल्टामेट्री का ग्राफ पूछा हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे सारे ऑप्शन तो याद नहीं है, लेकिन राइट ऑप्शन मैंने भी शायद यही किया था, तो साइक्लिक वोल्टामेट्री का ऑप्शन आपका ये वाला आंसर होगा, ये राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, ये राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा से था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको IR का डेटा दिया हुआ था, NMR का, और मास का डेटा भी दिया था, आई थिंक हाँ मास भी दिया था, तो IR आपका 1720 सेंटीमीटर इनवर्स, और NMR का डेटा दिया था, कुछ 2 हाइड्रोजन का सेक्सेट दिया हुआ था, मतलब मैं वो चीज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जिससे हम इजीली से प्रिडिक्ट कर पा रहे थे, हमें सेक्सेट ढूंढना था, उससे आपके 2 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जा रहे थे, क्योंकि 2 ऑप्शन में आपको सेक्सेट नहीं मिल रहा था, ठीक है, 2 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें सेक्सेट मिल रहा था, लेकिन एक ऑप्शन में उसमें यहाँ से कोई OH ग्रुप लगा हुआ था, लेकिन वो चीज वो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए दूसरा हमें डेटा मिल रहा था NMR में 4.0, 2 हाइड्रोजन के लिए 4.0 में केमिकल शिफ्ट मिल रहा था, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ओ से डायरेक्ट आपका CH2 लगा होगा, तो जो फोर्थ जो नेक्स्ट जो ऑप्शन था इसी जैसा वो वाला ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि वहां से C से CH2 जुड़ा हुआ था, ऐसा था, एक ऑप्शन में आपका सी डबल बॉन्ड ओ से CH2 जुड़ा हुआ था, और इसका केमिकल शिफ्ट 4 पे नहीं होता है, तो जब ओ से CH2 लगा होता है, तो इसका केमिकल शिफ्ट 4.0 समथिंग होता है, तो राइट ऑप्शन आपका ये होगा, क्योंकि इन 2 हाइड्रोजन के लिए सेक्सटेट मिलेगा, क्योंकि ये 2 इसको कपल करेंगे, ये 3, तो 3 और 2 आपका सेक्सटेट, और आपका इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 4 पे होगी, और यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन एक केमिकल शिफ्ट में आएंगे, और ये वाले 2 हाइड्रोजन एक केमिकल शिफ्ट में आएंगे, और ये वाले हाइड्रोजन आपका ट्रिपलेट देंगे, तो ये परफेक्ट आपका आंसर था NMR का, इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एब्लॉग एलिमेंट्स, एब्लॉग्स। तो एब्लॉग ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी था इनऑर्गेनिक, कि कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे हुए थे, जैसे आपका यूरोपियम थ्री पॉजिटिव मैग्नेटिक मूवमेंट डेविएटेड फ्रॉम आइडियल वैल्यू ड्यू टू, यानी कि वो ये कह रहा था कि यूरोपियम थ्री पॉजिटिव का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो अपनी आइडियल वैल्यू से डेविएट करता है, और उसमें कुछ टेम्परेचर गिवन था, आई थिंक आपका 300 केल्विन दिया था शायद। तो वो कह रहा था कि उस टेम्परेचर पर यूरोपियम थ्री पॉजिटिव का जो आइडियल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आपका डेविएट हो जाता है, क्यों? और उसने चार स्टेटमेंट दिए थे। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन था आपका थर्मल एक्साइटेशन, और सेकेंड ऑप्शन था पॉपुलेशन से रिलेटेड, ठीक है, और एक और ऑप्शन था आपका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, और लास्ट ऑप्शन आई थिंक आपका स्पिन वैल्यू समथिंग था। तो मुझे लगता है कि थर्मल एक्साइटेशन और आपका ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन पॉपुलेशन से रिलेटेड आपका आंसर हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आंसर विल बी थर्मल एक्साइटेशन, क्योंकि पॉपुलेशन भी एक्साइटेड स्टेट में तभी पड़ेगी जब आपका हीट, मतलब हीट का इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर हम वेरी करेंगे तो आपका पॉपुलेशन में आपका डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से यूरोपियन एक अनयूजुअल बिहेवियर दिखाता है और इसका माइग्रेटिंग मूवमेंट आपका अपनी आइडियल वैल्यू से आपका डेविएट करता है। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपका थर्मल एक्साइटेशन होगा, ठीक है। जेडली की बुक में देख रखा है यूरोपियन थ्री पॉजिटिव का ये जो बिहेवियर है अनयूजुअल बिहेवियर, तो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो इसको, लेकिन एग्जैक्टली आपका पॉपुलेशन वाला भी आंसर हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपका थर्मल एक्साइटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 मार्क्स में क्वांटम से, उसने 1,3-butadiene दिया हुआ था और उसने बोला कि वेव फंक्शन ऑफ ल्यूमो, उसकी कुछ वैल्यूज थी, ठीक है, ल्यूमो के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी, हम इसका एमओ डायग्राम बना के पता कर सकते थे, जैसे आपका ग्राउंड स्टेट के लिए 1,3-butadiene है तो आपका नोड से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट को आपका साई वन में कोई भी नोड नहीं होगा, ठीक है, और इसका जो ल्यूमो है नेक्स्ट स्टेट आपका ये होगी और इसकी नेक्स्ट स्टेट आपका ये होगी। तो ये आपका देखो यहाँ पर नोड आपका जीरो होता है, क्योंकि नोड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एन माइनस वन, यहाँ पर नोड जीरो है, यहाँ पर नोड आपका वन होगा एन इक्वल टू वन, यहाँ पर एन इक्वल टू टू। तो 1,3-butadiene में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, तो ये इसका होमो होगा, हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाइएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और तो होमो के जस्ट ऊपर वाला होता है आपका ल्यूमो, लोवेस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि वो इसके लिए आपका वेव फंक्शन पूछ रहा था। तो यहाँ पर नोड वन है, तो इसका मतलब ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो एक नोड हो गया। अब यहाँ पर नोड आपका टू कैसे होंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस, ये प्लस, तो एक नोड आपका ये है और दूसरा नोड आपका ये है। तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर वो होगा जहां पर आपका प्लस माइनस माइनस प्लस दिया होता है, ठीक है। तो आंसर इस तरीके से निकालना था, जो भी आई थिंक आंसर बी मेरे ख्याल से आंसर होगा इसका, तो प्लस माइनस माइनस प्लस जिसमें था वही आपका राइट आंसर था फॉर ल्यूमो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक से, आई थिंक ये भी क्वेश्चन शायद 1 मार्क्स में था, ठीक है। ये आपका ईटा 7 मोड में आपका साइक्लोहेप्टेन जुड़ा था मॉलिब्डेनम से, और यहां से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, तीन आपके कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये रिएक्टेंट आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, और इसकी रिएक्शन करा रखी थी आपका NaOMe से, और फर्दर फिर इसको हीट किया हुआ था, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हीट किया हुआ था। उसने दो स्टेप दिए थे, पहले NaOMe की रिएक्शन कराई थी इस कंपाउंड के साथ, फिर आपका हीट किया था, फिर उसने पूछा था कि